अगर उसको लग रहा है जिम्मेदार है पाकिस्तान जंग करे यार, बातें करने से अंदर ये नहीं होता है। मैं बातें करूंगा प्राइम मिनिस्टर रूम के बातें में बड़ी बड़ी बातें करूंगा जी, मैं वो पावरफुल हूं तो जंग करे, अगर उसको लग रहा है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है तो उनके साथ जंग करे। ये दावे खाली दावे करने से नहीं है। मैं जी एस एस सिविल इंजीनियरिंग, नया कश्मीर कौन सा नया कश्मीर है, कहाँ का नया कश्मीर है? ये यहाँ पे रोज एक आम मर रहा है इंसान, जो बच्चा कल बच्ची मरी उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है उसका जिम्मेदार। कहाँ एलजी है, सोए हुए है क्या? ये इनको ट्रेस नहीं कर पा रहे और आजाद कश्मीर की बात लेने की बात करते हैं। बस से इनको पैसा दिया हुआ है, दो बच्चों को बड़ी बड़ी सभा में होंगे, सवाल तो उठेंगे। इंप्लीकेशन कहाँ से हो रही है? अगर आप बताइए, अगर हमारा बॉर्डर पूरा चलेगा, आप ये पूरी दुनिया को पता है 80% हमारा तो कहाँ से आ रही है? ये जालिम लोग कौन ला रहे हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आ रहे हैं लोग? अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि हम आजाद कश्मीर को भी छीन के लेंगे तो फिर ये क्यों हो रहा है? हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? अगर वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हमारे अपने जम्मू में लोग कैसे मर रहे हैं? हमारे अपने कश्मीर में लोग कैसे मर रहे हैं? 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जो भी इसके बारे में वैसे जिनका बच्चा जिनका इंसान जाता है ना, वैसे उधर मैं कर नहीं करता। जिसकी जान चली गई मोदी जी और गवर्नमेंट साहब पैसे देगा, पैसों से कुछ नहीं होने वाला। पैसे वो मर के देंगे, पैसा तो उन पैसों के साथ। क्या सोल्यूशन है हमें यार? अगर वार चलता है ज्यादा से ज्यादा 10 साल वार चलता है, यहाँ पे अभी तक 40 साल हो गए यहाँ पे वार चल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है। ये राजनीति है, हिंदू मुस्लिम लड़ाने की राजनीति है। इस मैं दो कहता हूँ, अगर ये हमारी डेमोक्रेसी है तो हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अगर ये नया कश्मीर है तो हमें ऐसा नया कश्मीर। अटैक में सियासत कहाँ से आ रही है? आप मिलिटेंट अटैक को पकड़ क्यों नहीं रहे उनको? पकड़ क्यों नहीं रहे उनको? कहाँ से आप? मैं आप ही ने सवाल, मोदी जी का सवाल है, रविंद्र रैना जी का, हम आजाद कश्मीर भी लेंगे। जब हमारे इधर मिलिटेंट है उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे आजाद कश्मीर लेंगे? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं आतंकवादी, अगर रविंद्र रैना जी बोल रहा है कि हम आजाद कश्मीर भी लेंगे तो यहाँ कैसे मिलिटेंट? वो यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आजाद कश्मीर कैसे? तो आपको नहीं लगता कि डिक्रीज जो है इंसिडेंट्स हुए हैं, अब अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं? कौन से डिक्रीज हुए हैं जी? कौन से डिक्रीज हुए हैं? यहाँ पे कंटिन्यूअसली किलिंग हो रही है। हमारे पंडित भाई मर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ से कंटिन्यूअसली तो टारगेट किलिंग हो रही है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसमें गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना चाहिए कौन है ये। अगर आजाद कश्मीर की बात करें तो अगर मोदी साहब हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक पावरफुल कंट्री कह रहा है, अगर पावरफुल कंट्री बता रहा है खुद को, उसको ना इस पे लगना चाहिए ना, इनको ढूंढ निकाल के मार, इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। और देखिए, हिंदुस्तान अगर लग रहा है पाकिस्तान ये कर रहा है, उनके साथ जंग तो नहीं कर रहा है। ये रोज रोज कश्मीर को मारना जरूरी है, इसमें राजनीति करनी जरूरी है। वो एक ही बार में पाकिस्तान से जंग करे, एक ही बार में हमें आजाद कराए, इस जन्म से हमें आजाद कराए। अगर मोदी जी बोल रहा है कि हम पावरफुल कंट्री है आजाद कश्मीर लेंगे, उनको उनमें पूछना चाहूंगा जंग करे पाकिस्तान के साथ। अगर हिंदुस्तान को पता है कि ये पाकिस्तान कर रहा है, उनके साथ जंग करे उनके साथ, हमें छुटकारा इसी छोड़ दे। ये हमारे साथ मौजूद थे पार्टी के प्रेसिडेंट और जिससे हमने गुफ्तगू करी आगे इसके हवाले से जनरल सेक्रेटरी है नदीम, देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए जो काम बंद करो। एक सिविलियन अनमारा जाता है जम्मू कश्मीर में, गद्दारी से चार बंदूकों को हम आग गिरा दिया और दो बच्चों को, उन बच्चों की दुश्मनी क्या थी हमें ये बताइए, उन बच्चों की क्या किसी से दुश्मनी थी? वो शैतान से भी गए गुजरे लोग हैं जिन्होंने एकता लिए हरकत की है। और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स अपनी एजेंसी को ये बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के बीच नहीं उनको हमारे हवाले किया जाए। हम घंटाघर में उनको फांसी पे लटकाएंगे। वो हाईमान से भी गए गुजरे बंदे हैं जिन्होंने कल ये कार्य हरकत की है।